अगली खबर में बात करते हैं रायसेन की, जहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत जहां नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को लगातार स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अपनाने से नागरिकों के जीवन में बड़ा बदलाव आना भी शुरू हो गया है। वहीं इस तरह कायाकल्प अभियान के तहत सरकारी अस्पतालों में भी स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। रायसेन जिला अस्पताल के कायाकल्प अभियान के तहत अस्पताल के चिकित्सकों ने रविवार को स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान अस्पताल के नवीन पार्क में श्रमदान किया। इस स्वच्छता के कार्यक्रम में चाइल्डलाइन संस्था के सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर ए के शर्मा ने स्वच्छता की शपथ दिलवाई। इसके अलावा रायसेन जिला अस्पताल के पैरा मेडिकल स्टाफ एवं अन्य सफाई स्टाफ को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे जिला अस्पताल में स्वच्छता बरकरार रह सके। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर ए के शर्मा ने बताया कि स्वच्छता से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। जिला अस्पताल में समय समय पर स्वच्छता को लेकर विशेष गतिविधियां आयोजित की जाती हैं और मरीजों एवं उनके परिजनों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाता है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि स्वच्छता से निश्चित रूप से अपने घर, समाज, नगर, जिले व देश को अगर स्वच्छ बनाने का बेड़ा उठा ले तो हमारी बहुत सी बीमारियां कम हो जाएंगी। स्वच्छता के ही कारण हम लोग बीमारियों और एवं अन्य बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे जिला चिकित्सालय में समय समय पर स्वच्छता का इस तरह अभियान चलाया जाता है और जिसमें हमारे यहाँ के कर्मचारी और मैं स्वयं इस में भाग लेता हूँ और हमारी जो सहयोगी संस्थाएं हैं चाइल्डलाइन वगैरह, उनके द्वारा भी समय समय पर हमें स्वच्छता में सहयोग किया जाता है।